हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं अपने भगना के साथ, ये है मुकेश। तो हम लोग आए हैं एक रहस्यमय और बहुत प्राचीन मंदिर देखने के लिए आए हैं। जस्ट मेरे पीछे में है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मंदिर बहुत ही पुराना, लगभग 300 साल पुराना ये मंदिर है। ये राजा टेकारी के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं इसको अंदर से। ये रहा देखिए, ये मंदिर 300 साल पुराना मंदिर है। तो ये जो देख रहे हैं, ये एक समय में तालाब था और इस तालाब में यहाँ की जो रानी थी वो आती थी, कहीं एक सुरंग बना हुआ था। ठीक है, ये देखिए जिसमें अभी हम चढ़े हैं, सामने आ जाओ, समझा ना, जिसमें हम चढ़े हुए हैं ये एक समय फवारा था, यहाँ पर फवारा था। तो कैमरा ला के दिखाते हैं, दिक्कत ना है। देखिए ये जो है ना, ये फवारा था और यहाँ से पानी निकलता था। और ये रहा मंदिर, यही मंदिर में रानी आती थी पूजा करने के लिए। ये जो पूरा स्थल देख रहे हैं, ये एक समय पूरा का पूरा पानी से जलमग्न था, पूरा देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर ये गेट है, लगभग समझिए कि हम लोग 300 साल पीछे उस जगह पर खड़े हुए हैं। सोचिए कि पहले कितना सुंदर ये नज़ारा होगा यहाँ का। तब मुकेश कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखिए इसको तो अच्छा लग रहा है और हमको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मतलब ऐतिहासिक जगह जाना और घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो ये रहा देखिए, यहीं पर जो है लोग पहले के समय आते थे, कपड़ा चेंज करते थे, रखते थे। और ये जो है तालाब में, तालाब बोलिए, नहर नहर तो नहीं बोल सकते, यहीं पर आकर नहाते थे, है ना, क्या बोलेंगे इसको, तालाब में। तो समझिए एक समय में कैसा मतलब कितना बढ़िया लगता होगा देखने में। इसमें ये बीच में जो जहाँ पर हम लोग खड़े थे वहाँ पर झरना था, वहाँ से झरना निकलता था और ये पूरा का पूरा तालाब पानियों से भरा हुआ था। देखिए क्या हालत हो गया है सबको, यहाँ पर जो है कि दिया रखा जाता था। तो चलिए चलते हैं मंदिर देखने के लिए। ये रहा मंदिर के लिए सीढ़ी, देखिए यहाँ पर मुकेश है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर का नज़ारा देखते हैं।